हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के जो केस स्टडी क्वेश्चन हैं, हम जिन्हें इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उनका आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये हम चैप्टर 5 सीएमए फाइनल लॉ, जो कि डायरेक्टर चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों के रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हम मोहित बंसल क्लासेस आपके हर सब्जेक्ट का रेगुलर चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करता है, और जैसे ही टेस्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी उस टेस्ट के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी पूछी गई हैं, उनसे रिलेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास कराई जाती है। इससे पहले जो टेस्ट हो चुके हैं, उन सब की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है। आज हम चैप्टर 5 डायरेक्टर चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में जो टेस्ट हुआ अभी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आप यहां पर देख पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर मैं बाकी आपको आगे कंटिन्यू करूं। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, और वो ये बोल रहा है कि एक आर नाम की महिला है ना, आप बोल सकते हैं कि मिस आर है, महिला है, जो कि ऑलरेडी पहले से 12 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है। ये आर नाम की जो महिला है, वो ऑलरेडी 12 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, 12 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर है। अब इनके पास में एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से ऑफर आया है कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। क्लियर है ये चीज? और आर ने एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर कि ठीक है, मैं आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने को तैयार। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या इनका अपॉइंटमेंट वैलिड है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसका आंसर क्या है, पहले मैं आपको नॉर्मली वो बता देता हूं, फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। मैं आपको लाइव लिखवाऊंगा, आप मेरे साथ में आंसर लिख सकते हैं। बच्चों इसका आंसर है कि नहीं, ये जो मिस आर हैं, इन्होंने ये जो एक्सेप्ट करा है, ये गलत है, इन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ये जो पहले से 12 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हैं, ये भी गलत है। क्लियर है ये चीज यहां तक? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन 149 के अंदर भी पढ़ा है, और हमने सेक्शन 165 के अंदर भी पढ़ा है कि एक पर्सन एक टाइम पर मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, चाहे से वो वेमेन ही क्यों नहीं है, उसके ऊपर भी सेम प्रोविजन लगता है। उस 20 कंपनीज में से 10 तो मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज हैं, मतलब वैसे तो एक पर्सन एक टाइम पे 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, बट उनमें से पब्लिक कंपनी 10 है, और ऐसी प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडियरी है वो भी इसी के अंदर काउंट होती है। बाकी की जो रह गई रिमेनिंग 10, उसके अंदर प्योरली प्राइवेट कंपनी आती है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी और डोरमेंट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन लगता ही नहीं है, उनको 20 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। मिस आर ऑलरेडी 12 पब्लिक कंपनीज की डायरेक्टर है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यही गलत है। उसके बाद में उन्होंने एक और पब्लिक कंपनी की डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर ली, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी इनवैलिड है, गलत है। अगर उन्हें ऐसा करना है तो पहले उन्हें जो अपनी पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप है वो 10 से कम करनी चाहिए, उसके बाद में फिर इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये एक्सेप्ट करने के बाद भी उनकी डायरेक्टरशिप पब्लिक कंपनी में 10 से ज्यादा ना हो। ये क्वेश्चन का आंसर है। बात आती है कि सर इसको लिखना कैसे? आंसर तो हमें भी आता है एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर तो हमें आता है सर, पर बात यह है ना कि वो लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसे होगा।
प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ना पहले भी काफी बार ये बता चुका हूं कि जब भी आप केस स्टडी या इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स का आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स का आता है। क्लियर ये चीज? जब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे 3 पैराज में डिवाइड करके लिखें। पहला होता है लॉ, कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड लॉ आखिर क्या बोलता है। दूसरा होता है, पहला तो हो गया लॉ कि क्वेश्चन से रिलेटेड लॉ आखिर क्या बोलता है। दूसरा होता है क्वेश्चन की सिचुएशन। क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बताई गई है। और लास्ट पैरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंक्लूजन। अब हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ में बोलता रहूंगा, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, देखिएगा। सबसे पहले हम लॉ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे परसुएंट टू दी, परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ, परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 एंड 165 of Companies Act, first point, a person including women can be director in not more than in not more than 20 companies at a time. Second point, but out of these 20 companies, मैक्सिमम इन, आपको फुल लिखना है ना, मैं यहां पे मैक्सिमम को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है। मैक्सिमम इन 10 पब्लिक कंपनीज, मैक्सिमम इन 10 पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग दोज प्राइवेट कंपनीज, आपको सब कुछ फुल में लिखना है ना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, इंक्लूडिंग दोज प्राइवेट कंपनीज विच आर सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। क्लियर चीज आते, ये हमने लॉ लिखा। अब हम करंट सिचुएशन लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन, आपको बस पैरा चेंज करना है, एक लाइन बीच में छोड़नी है और सेकंड पैरा शुरू हो जाएगा। इन द गिवन सिचुएशन मिस आर इज अ वुमेन एंड ऑलरेडी director of 12 public companies and now accepting directorship in Excel Limited, which is a public listed company.
हैंस, अब एक और लाइन छोड़ दो, अब थर्ड पैरा पे आ जाते हैं कंक्लूजन पे। हैंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर, हैंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ मिस आर एज डायरेक्टर इन एक्सेल लिमिटेड इज नॉट वैलिड एंड अल्ट्रावायर्स टू द कंपनीज एक्ट। देखे बच्चों ये है इसका आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर आपको नहीं आता, बहुत अच्छे से आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ जो फर्क है ना बच्चों वो लिखने का तरीका है। बहुत बार ऐसा होता है ना जब आप एग्जाम से बाहर निकलते हो और आप बोलते हो, या जब आपका रिजल्ट आता है तब आप बोलते हो कि यार ये आंसर मुझे आता था, फिर मुझे फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले या मुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिले, क्योंकि आपको आंसर आता था पर आपको लिखने का तरीका नहीं आता था। यही वजह हो जाती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते हैं, आपको पता ही है, और हर टेस्ट के बाद में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। टेस्ट आपके हम लोग 3 राउंड्स में ले रहे हैं, आपको पता है, हमेशा ही लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, देन हाफ सिलेबस, देन फुल सिलेबस। हर चैप्टर के, हर टेस्ट की कॉपी पर्सनली चेक होके आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई आंसर शीट हाथ में पकड़ा दी और खुद सेल्फ इवेल्युएट कर लो, फिर क्या मजा है, लो ही मत ना फिर तो। टेस्ट के नाम पे फिर एक काम ही करना है तो क्या मतलब। सेकेंड राउंड होता है फिर उसमें दोबारा चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस फुल सिलेबस, देन थर्ड राउंड चैप्टर वाइज हाफ सिलेबस फुल सभी सब्जेक्ट्स के। फर्स्ट राउंड चल रहा है, 5 चैप्टर के टेस्ट हो गए, ये 5वां चैप्टर था डायरेक्ट, इसका जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने करी। इससे पहले जो टेस्ट हुए हैं उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट CMA फाइनल का, उसके ऑलरेडी 3 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आप मिल चुकी है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।